Assalamu alaikum students, how are you? Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English class 2. Today I am going to teach you a very beautiful poem, conversation, guftugu. Students, what is conversation? Conversation means talking with someone, also the talk between the two or more people. In this poem, the cat is talking to the mouse. You can see that in the picture, here is a cat and a mouse. दोनों यहाँ पे conversation यानी बातचीत करते हैं. जैसे आपको पता है कि बिल्ली चूहे का शिकार करती है, तो इस पॉइंट में भी कुछ ऐसा ही है. बिल्ली चूहे को बिल से बाहर लाने के लिए कह रही है, लेकिन चूहा जो है वो बिल से बाहर नहीं आ रहा. और बिल्ली बहुत ही मीठे अल्फाज का इस्तेमाल करती है और चलाकी से उसे बाहर बुलाती है, लेकिन चूहा भी उसे उसी तरह जवाब दे रहा है और वो बिल से बाहर नहीं आ रहा. So in this poem, we will read the conversation between a cat and a mouse. Children, let's start reading and translating the poem. मौसी मौसी, यहाँ पे मौसी चूहे को प्यार से बुलाया गया है. चूहे चूहे, where is your little wee housey? Where कहाँ, is है your, तुम्हारा लिटिल छोटा वी, छोटा सा हाउसी. यहाँ पे घर को प्यार से हाउसी बोला गया है. तुम्हारा छोटा सा घर किधर है? हेयर इज द डोर. हेयर यहाँ, इज है द डोर दरवाजा, यहाँ है इसका दरवाजा. अंडर द फ्लोर, अंडर नीचे, द फ्लोर फर्श के, फर्श के नीचे. सेड माउसी माउसी, चूहे ने कहा. माउसी माउसी, चूहे चूहे. ये अभी जो मैंने लाइन्स पढ़ी, लाइन टू लाइन मैंने इनके ट्रांसलेशन पढ़ी स्टूडेंट्स, इनमें बिल्ली बहुत चालाकी से चूहे को कहती है कि तुम्हारा छोटा सा घर किधर है और तुम कहाँ रहते हो. तो चूहा बिल्ली को बताता है कि फर्श के नीचे मेरा घर है. तो बिल्ली आगे क्या कहती है उसको? माउसी माउसी, चूहे चूहे, मे आई कम इन टू योर हाउसी? मे आई, क्या मैं कम आ सकती हूँ? इन टू योर हाउसी, तुम्हारे घर के अंदर, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? यू कांट गेट इन, तुम अंदर नहीं आ सकती. यू हैव टू बी थिन, यू हैव टू बी, तुम्हें होना पड़ेगा थिन पतला, इसके लिए तुम्हें पतला होना होगा. सेड माउसी माउसी, कहा चूहे ने. इन लाइन्स में बिल्ली चूहे को कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ. तो चूहा उसको कहता है कि नहीं, तुम नहीं आ सकती, क्योंकि उसका घर है वो फर्श के नीचे एक छोटा सा बिल है जिसमें वो रह रहा है. और बिल्ली जो है वो चूंकि फैट है तो वो उसके अंदर नहीं जा सकती. तो वो कहता है कि नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती, इसके लिए तुम्हें पतला होना पड़ेगा. माउसी माउसी, चूहे चूहे, वोंट यू कम आउट ऑफ योर हाउसी? वॉन्ट यू, क्या तुम, कम आउट ऑफ योर हाउसी, क्या तुम अपने घर से बाहर नहीं आओगे? आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस से टू से कहना पड़ रहा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है. आई एम बिजी ऑल डे, आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूँ ऑल डे, सारा दिन, मैं आज सारा दिन मसरूफ हूँ. सेड माउसी माउसी, कहा चूहे ने. इन लाइन्स में बिल्ली चूहे से कहती है कि मैं घर के अंदर नहीं आ सकती, तो क्या तुम घर के बाहर आ सकते हो? तो चूहा बहुत चालाकी से, बिल्ली की चालाकी को वो समझता है स्टूडेंट्स, तो वो उसी चालाकी से जवाब देता है कि नहीं, मैं आज सारा दिन मसरूफ हूँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है और मैं बिल से बाहर नहीं आ सकता. जी स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी आपको ये पॉइंट?